मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को, मीडिया कर्मियों को, प्रशासन को, पुलिस को, हमारे क्लब साथियों को, हमारी बटनेर किंग्स क्लब की स्थापना पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे बटनेर किंग्स क्लब के 5वें स्थापना दिवस पर आज शुभारंभ पौधे लगा के पत्रकार कॉलोनी में किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं क्लब के सदस्यों का, मीडिया प्रभारी का, प्रशासन का तय दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो इस पहल में हरित शहर बनाने के लिए सभी यहां पधारे हैं। 10 तारीख को हम गौ सेवा श्रमदान करेंगे। हमारे 500 मेंबर गौशाला में जाएंगे, वहां श्रम अपना दान करेंगे। 11 तारीख को एक विशाल रक्तदान जो बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 501 यूनिट रक्तदान दिया जाएगा। शहरवासियों से मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सावन के महीने में लोग दान बहुत करते हैं, एक रक्तदान करने का भी हिस्सा बने। रक्तदान महादान है, जीवन दान है। जब मनुष्य को इस रक्तदान रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय उसे महसूस होता है कि वाकई में रक्तदान हमें करना चाहिए। जब किसी मनुष्य को रक्त की जरूरत पड़ती है तो उसको रक्त उसे समय पर मिलता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, हर्षोल्लास होता है उसे, क्योंकि उसे जीवन मिलता है। ये जीवन वरदान से कहीं कम नहीं है। और 12 तारीख को हम नशा मुक्त और हरित शहर बनाने के लिए हमारे क्लब सदस्यों द्वारा, स्कूलों के बच्चों के द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता, एक अपने अपने विचारों को रखेंगे सभी, यह प्रतियोगिता रखी है। और 13 तारीख को चौपहिए वाहन से तिरंगा यात्रा, जो कि नशा मुक्त आह्वान और नागरिकों और पूर्ण रूप से सभी शहरवासियों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह वाहन रैली निकाली जा रही है। इसमें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूं, हमारे क्लब सदस्य तो सभी आएंगे ही, शहरवासियों को किसी का भी इसमें आने की इच्छा है तो उनका मैं बहुत तय दिल से हमारे पूरे बटनेर किंग परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं इस मुहिम का मैंने, क्योंकि यह महाउत्सव हमारे पूरे देश का उत्सव है। आपको ध्यान है, बटनेर किंग्स जो क्लब है वो समस्त सामाजिक गतिविधियों में जिला प्रशासन को बढ़ चढ़ कर सहयोग देता है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं इसी तरह देता रहेगा। प्लांटेशन हो चाहे जिला स्थापना दिवस पे इनकी साइकिलिंग में सहयोग हो, आगे अभी हमारा आज़ादी अमृत महोत्सव है उसमें भी ये साइकिलिंग और मैराथन में हमारा साथ दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, इस संगठन का राजस्थान में ही नहीं देश और विदेश में भी नाम हो। इस संगठन के सभी सदस्यों की उत्तरोत्तर उन्नति और खुशहाली हो, इनके परिवार और ये सब सुखी और समृद्ध रहें, यही का कामना है। भारत किंग्स क्लब के सदस्यों के द्वारा किया गया है पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के अंदर योगदान उन्होंने दिया है। पत्रकार कॉलोनी के अंदर पौधारोपण किया गया है। वहीं दूसरी ओर हम एक इन संस्थाओं को सलाह देना चाहेंगे कि पौधारोपण के साथ साथ जो पौधे पेड़ पौधे कट रहे हैं उसका भी फोकस डालिए और उस पर भी वन विभाग और जिला प्रशासन पर दबाव बनाना होगा। साथ ही पौधारोपण जो किया जाता है, जो आवारा पशु, दुधारू पशु सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, वे पौधों को भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और शहर के अंदर गंदगी भी फैला रहे हैं। गंदगी फैलेगी तो फिर प्रदूषण भी होगा और पर्यावरण संरक्षण का जो काम किया जा रहा है उसके अंदर ये अड़चन डालेंगे। इस पर भी समय समय पर फोकस डालने की आवश्यकता है।